क्योंकि मोदी चाय बेचते थे, हम पकौड़े बेचेंगे अभी। वो पंतप्रधान बने तो हम क्या बनेंगे, हम भिखारी बनेंगे। शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो उसकी परमिशन हमें मिलनी ही चाहिए। उसके मतलब हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं सर, इतने दूर से आए हैं, 20-25 दिन हो रहे हैं हमको। खाना पीना ये गुरुद्वारा, यहाँ तो यहाँ भी हमें निकालने के चल रहा है, हम जाए कहाँ पे? संविधान में तो हमारा अधिकार लिखा है, क्यों नहीं दे रही सरकार? आज तक तो हम इधर उधर, हमारे तो ऐसे ही चार साल चले गए, कहाँ जाएंगे हम? दिल्ली पे जाओ, दिल्ली का रूल कानून यहाँ का हमें पता नहीं है, तब भी हम इलीगल तरीके से कुछ भी किया नहीं अभी तक, लीगल तरीके से सब कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें सरकार आंसर दे कि हमें आगे करना क्या है। ये तब तक नहीं सुनेंगी, जब युवा जागरूक होगा ना, जैसे सुनामी कैसे आते हैं उस तरह युवा भड़केंगे, तब इनको समझ में आएंगे। बेरोजगारों को न्याय मिलना ही चाहिए, ठीक है? तो हमारी प्लानिंग तो कुछ नहीं है, प्लानिंग इतना ही है कि हमें परमिशन मिल जाए प्रोटेस्ट के लिए। प्रोटेस्ट बेट, हमारे माँ बाप कूली का काम करते हैं, तभी हमको पढ़ाते, हम पढ़ते हैं। ट्वीट हो रहा है कम से कम मई महीने, जो मई 2020 से, तब से हम ट्रेंड कर रहे हैं कंटिन्यू, मिलियन पे मिलियन रिट्वीट हो रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, ऊपर से दिख रहा है। लेकिन हम गरीब लोगों के लिए सिर्फ जो पीछे का जनरल डब्बा रहता है वही रहता है, श्रीमंती के लिए सिर्फ एसी का डब्बा रहता है, हमारे लिए कोई नहीं रहता, ये सिर्फ नाम का रहता है। तू कैसे भीख मांगने के सिवा कोई हमारे हाथ में पर्याय नहीं, क्योंकि वो बुलेट दिखती है हमको, बुलेट दिख रही है, एक्सप्रेस दिख रहे है, सब दिख रहा है। जितने भी ऑफिस है, संसद जो भी एमपी सब है यहाँ पे, हमने सबको ना निवेदन दे दिए, एप्लीकेशन दे दिए, उन्होंने रिसीवर तो दे दिए, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है। हर घर में हम अपना हिस्सा रहता है तो सामान लेंगे कौन, तो आत्मनिर्भर होंगे कैसे हम? क्योंकि हर किसी इंसान ने अपना व्यवसाय किया होता तो सामान लेता कौन हमारा? लाठीचार्ज होने वाला है, लाठीचार्ज हो गया, एक लड़के का हाथ टूट गया है, बहुत जनों को ना पैर पे मार दिया है, बहुत। क्यों हम खाली बैठे, बेरोजगार क्यों कहला रहे? क्या यही है इंडिया की नैतिकता? ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। गुरुद्वारा बंगला साहिब में मौजूद हैं और यहाँ पर देश भर के युवा आए हुए हैं, जो 2018 में एसएससी जीडी की जो भर्तियाँ निकली थी उनको जो है क्वालिफाई कर दिया है, जो भी प्रक्रिया होती है वो सब कर दिया है, लेकिन सरकार ने उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया है, उनको नौकरी नहीं दी गई है। 3 साल हो गए हैं लगातार जो है वो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि सरकार जो है कब उनके लिए उनकी जॉब दे, उनको नौकरियां दे, लेकिन सरकार जो है अब बिल्कुल भी उस तरफ गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। इसलिए मजबूरी में जो है पूरे देश भर से जो है, देश के अलग अलग राज्यों से युवा जो है वो यहाँ पर दिल्ली में आए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर भी जो है प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी, लिहाजा जो है मजबूरी में गुरुद्वारा बंगला साहिब में जो है वो यहाँ पर आए हैं, ठहरे हुए हैं। हम लोगों से बात करते हैं, कुछ जो है गर्ल्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कहाँ से आई हैं, मास्क नीचे कर लीजिए। जी मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, हम 12। समस्या है आप लोगों की सर? हम 2018 से जो एसएससी जीडी की भर्ती थी 2018 की, तो 2018 में फॉर्म शुरू हुए थे, ठीक है? फिर 2018 से प्रोसेस चालू हुई, रिटर्न एग्ज़ाम हुई, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, तीनों जो पैरामीटर एसएससी के हैं वो हमने क्लियर कर दिए हैं, उसके बावजूद हमें जॉइनिंग नहीं मिल रही है, ठीक है? संसद में जो अपने गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद रॉय, उन्होंने संसद में यही क्लियर किया है कि 1,11,000 वैकेंसीज अभी भी रिक्त है, ठीक है? बावजूद हम 1,09,000 कैंडिडेट है, तो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों वैकेंसीज होने के बावजूद हम जो पैरामीटर हमने क्लियर किया है, क्यों हम खाली बैठे, बेरोजगार क्यों कहला रहे? क्या यही है इंडिया की नैतिकता? ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। कितना हर बार क्यों हमको बेरोजगारों का क्यों हर बार बाहर निकलना पड़ रहा है? इतने हम 12 तारीख से बाहर निकले घर से, 12 तारीख से, मतलब 14 को हमारा जो जंतर मंतर पे था प्रदर्शन, तो यहाँ जी पहले 14 को था, लेकिन 14 को संडे होने के बाद इसकी वजह से ना हमको परमिशन नहीं मिली। अच्छा। उसके बाद 22 तारीख को हुई, तो हमको टाइमिंग मिला था 10 से 4 बजे तक, तो हमने वो कर दिया जो भी शांतिपूर्वक हमारा धरना था उसी हिसाब से। उसके बाद 4 बजे वहाँ पे हमें अनाउंस कर दिया गया कि यहाँ पे लाठीचार्ज होने वाला है, लाठीचार्ज हो गया, एक लड़के का हाथ टूट गया है। अच्छा। बहुत जनों को ना पैर पे मार दिया है, बहुत। तो ऐसा क्यों प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया गया? प्रोटेस्ट करने नहीं दिया, हमें परमिशन की ज़रूरत है सर, परमिशन क्यों नहीं मिल रही हमें? इतने दूर से ऑल इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पे है, हर घर से बाहर है, लड़कियाँ अभी कितनी आ रही हैं, तो हमारा क्या सवाल है सरकार से कि
कब हमें हमारी जो उम्मीद है वो कब पूरी होगी, ज्वाइनिंग कब? कितने लोग हैं और कौन कौन से राज्य से आए हैं? सर यहाँ अभी तक तो 500 प्लस है और भी आ रहे हैं, जैसे भी परमिशन मिलती है नहीं मिलती है ये तो बात की बात है, लेकिन जैसे परमिशन मिलती है कैंडिडेट सब अपने अपने घर से निकल चुके हैं। पहली बात तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से वो नहीं आ सकते दिल्ली। हम जब 12 तारीख से यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सर देखिए महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, बिहार, यूपी सब ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं। तो अभी जब आपको इतना वक्त यहाँ पर हो गया दिल्ली में आए हुए, तो आपकी किसी भी मंत्रालय में किसी भी अधिकारी से कोई आपकी बातचीत हुई है, कहीं से कोई आश्वासन मिला है, कोई शिकायत आपने कहीं दर्ज कराई है? जी सर, हमने पीएमओ जितने भी ऑफिस है, संसद जो भी एमपी सब है यहाँ पे, हमने सब मतलब सबको ना निवेदन दे दिए, एप्लीकेशन दे दिए, उन्होंने रिसीवर दे लिए, रिसीवर तो दे दिए लेकिन रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कि हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं हमें परमिशन चाहिए, परमिशन क्यों? क्योंकि सरकार तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, लेकिन हमें कुछ भी कहाँ से भी रिस्पांस नहीं आया अभी तक। एसएससी की तरफ से क्या कहा जा रहा है आपकी समस्या को लेकर? एसएससी के पास अगर अपन कर रहे हैं ना आवेदन निवेदन जो भी अपन कर रहे हैं, तो वो बोलती हमारी तरफ कुछ है ही नहीं, ये सब है गृह मंत्री के पास जो कि अमित शाह जी है, उनके हाथ में CAPF जो भी ये भर्ती है ना CAPF के पास है, पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो जब अमित शाह जी बोलेंगे कि ठीक है क्लियर करना है, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। उम्मीद है कि हमें सरकार साथ देगी। उम्मीद है सर? हाँ उम्मीद है कि सरकार साथ देगी, हमें इल्लीगल तो कोई करना नहीं। लेकिन अभी 25 तारीख में जो ट्विटर पर आप लोगों ने ट्रेंड चलाया था, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, मिलियंस ट्वीट हुए थे, मिलियन ट्वीट्स, लेकिन प्रधानमंत्री जी का या सरकार के किसी भी अधिकारी का, प्रवक्ता का कोई ट्वीट नहीं आया इस मसले पर? सर एक बात तो अभी ट्वीट नहीं हुआ है, ट्वीट हो रहा है कम से कम मई महीने जो मई 2020 से, तब से हम ट्रेंड कर रहे हैं कंटिन्यू, मिलियन रिट्वीट हो रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, रिस्पांस कुछ भी नहीं है ट्रेंड करने के बावजूद। ठीक है सब बोलते हैं कि ऐसी बात जा नहीं सकती, प्रोटेस्ट से बात नहीं बनती, सोशल मीडिया एक है, एक जो अपने पास है सोशल मीडिया जिससे अपन थ्रू बोल सकते हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है? हमने हर किसी को अटैक किया है, अमित शाह जी बोलिए, प्रधानमंत्री अपने, नित्यानंद रॉय, फिर हो गए अपने जो CAPF के चेयरमैन, SSC चेयरमैन, उनको सबको अटैक कर चुके हैं, उसके बावजूद रिस्पांस कुछ भी नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इतना दिन हो गया है, आगे की क्या प्लानिंग है आप लोगों की? सर प्लानिंग तो नहीं है, प्लानिंग की बात सुनिए, हम तो कुछ गलत तो कर नहीं रहे, हमें अपना न्याय चाहिए, बेरोजगारों को न्याय मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो हमारी प्लानिंग तो कुछ नहीं है, प्लानिंग इतना ही है कि हमें परमिशन मिल जाए प्रोटेस्ट के लिए, प्रोटेस्ट की, हाँ प्रोटेस्ट की परमिशन मिल जाए, यही सबकी उम्मीद तो हम यही लगा के रखे हैं अभी तक। तो अभी जब हमें आगे से रिस्पांस है हम देखें। क्या कहना चाहती हैं प्रधानमंत्री जी से, सरकार से क्या कहना चाहती है? मेरी तरफ से और सब कैंडिडेट की तरफ से यही बोलना चाहूँगी कि जो भी रिक्त वैकेंसीज है 111,000, तो हम 109,000 होने के बावजूद हमें वैकेंसी दीजिए, बस यही है। और एक प्रोटेस्ट के लिए हमें परमिशन मिल जाए, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी शांतिपूर्वक कर रहे हैं, तो उसकी परमिशन हमें मिलनी ही चाहिए, उसके मतलब हम यहाँ से हटने वाले नहीं है सर, इतने दूर से आए हैं, 20-25 दिन हो रहे हैं हमको, खाना पीना ये गुरुद्वारा, यहाँ तो यहाँ भी हमें निकालने के चल रहा है, हम जाए कहाँ पर? दिल्ली पे जाओ, दिल्ली का रूल कानून यहाँ का हमें पता नहीं है, तब भी हम इलीगल तरीके से कुछ भी किया नहीं अभी तक, लीगल तरीके से सब कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सरकार आंसर दे कि हमें आगे करना क्या है, एक तो परमिशन मिल जाए, एक तो फिर ज्वाइनिंग दीजिए। आप यूथ हैं, बेरोजगार हैं, और सरकार और सरकार के मंत्री प्रवक्ता कई बार ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारी सरकार रोज़गार के मुद्दे पर बहुत काम कर रही है, तमाम तरह की योजनाएं चला रही है कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है सरकार को, तो एक मिनट, तो किस तरह से देखती हैं आप सरकार के इन? देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर सरकार बोल रही है कि इतने रोज़गार है ये है, तो ठीक है, सरकार तो बोलती है करोड़ों रोज़गार अभी खाली है, बेरोज़गारों को मिल जाएगी रोज़गार, तो ये 50,000 क्यों नहीं मिल रहे? 50,000 कैंडिडेट है, 54,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट, जो तीन ही पैरामीटर हमने क्लियर कर रखे हैं, 54,000 है, तो यहाँ 54,000 ऑल इंडिया तो नहीं फिलअप कर रही है, तो कहाँ से लाएगी लाखों रोज़गार? हमें आंसर यही तो चाहिए, हम यही पूछ रहे हैं, कुछ तो रिस्पॉन्स है सरकार हमें, रोज़गार की बात करते हैं हम, बेरोज़गार क्यों है फिर?
क्यों इतने दूर हमको आना पड़ा महाराष्ट्र से, चाहे ऑल इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पे क्यों आए फिर रोजगार के लिए, तो सरकार यही आंसर करे हमें कि क्यों नहीं मिल रहा है होने के बाद। यार मिल रहा होता तो यहाँ क्यों? हाँ वही तो, वही क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर बोल रहे तो हर किसी इंसान ने अपना व्यवसाय किया होता तो सामान लेता कौन हमारा? हर घर में हम अपना हिस्सा रहता है तो सामान लेंगे कौन? तो आत्मनिर्भर होंगे कैसे हम, क्योंकि हर किसी अपना व्यवसाय करते। प्रधानमंत्री ने तो चाय का व्यवसाय किया, तो प्रधानमंत्री ने चाय का व्यवसाय किया तो वह पंतप्रधान बने, हम कहाँ बेचेंगे? क्योंकि आत्मनिर्भर बोल रहे तो हर कोई आत्मनिर्भर कैसा बनेगा तो कैसा बनेगा? क्योंकि ये भी सब लोग व्यवसाय करेंगे तो माल रहेगा हमारा और लेंगे कौन? कहाँ से आई आप? कहाँ? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र से? क्या नाम है? सरिता। हाँ सरिता जी, क्या लगता है सरकार रोजगार के मुद्दे पर कितना काम कर रही है? कहा जाता है कि आने वाले वक्त में देश जो है विश्वगुरु बन जाएगा, लेकिन युवा जब सड़कों पर रहेगा तो कैसे विश्वगुरु बनेगा? भीख मांगने के सिवा कोई हमारे हाथ में पर्याय नहीं, क्योंकि वो बुलेट दिखती है हमको, बुलेट दिख रही है, एक्सप्रेस दिख रही है, सब दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है, लेकिन हम गरीब लोगों के लिए सिर्फ जो पीछे का जनरल डब्बा रहता है वही रहता है, श्रीमंत के लिए सिर्फ एसी का डब्बा रहता है, हमारे लिए कोई नहीं रहता है, ये सिर्फ नाम का रहता है, कोई हम गरीब की कोई सुनता नहीं। इतने हमारे माँ बाप पढ़ाते हैं, इतने पढ़ा खाना नहीं खाते पेट को, तभी हमको इधर भेजते, पढ़ने के लिए भेजते, जेब से पैसा खर्चा करते हैं। हमारे माँ बाप तो कोई ऐसे अमीर है नहीं, पेट हमारे माँ बाप कूली का काम करते हैं तभी हमको पढ़ाते, हम पढ़ते हैं क्योंकि बोलते हैं कि मिलेगा कोई, उनको भी हमारे ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा बाद में, यही तो बात रहती है। लेकिन सरकार तो सुनती नहीं, कब तक नहीं सुनेगी? जब तक युवा पीढ़ी जागरूक नहीं होंगी तब तक नहीं सुनेंगी, जब तक हम में एकता नहीं होंगी तब तक नहीं सुनेंगी। जब युवा जागरूक होगा ना, जैसे सुनामी कैसे आते हैं उस तरह युवा भड़केंगे तब इनको समझ में आएंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी 2011 में, तब तो 2011 में सबको जॉइनिंग मिली थी, दी थी उन्होंने, अब क्यों नहीं मिल रही? अब क्या बोल रहे उसको, एक सर्विस मैन की सीट है 10,000 यानी कि 10% बाकी है, और 54,000 मेडिकल फीट को 54,000 मेडिकल फीट को जॉइनिंग दी है, उसमें तो 10,000 लोग तो लेंगे ही नहीं, ज्वाइन करेंगे ही नहीं ये 10,000 लोग, क्योंकि कोई ग्रुप डी में गया है, कुछ आरपीएफ में गया है, कुछ सीआरपीएफ में, ऐसे करके यानी कि आर्मी की भर्ती भी हुई थी तब सब अलग अलग गए हैं, 10,000 तो ऐसे ही जगह रहेंगी, तो इतने जगह खाली होने के बाद भी हमको क्यों नहीं ले रही है सरकार? हम तो तीनों चरण फिट हैं, हम तो किसी से भीख तो मांग रहे नहीं रहे हैं, संसद संविधान में तो हमारा अधिकार लिखा है, क्यों नहीं दे रही सरकार? आज तक तो हम इधर उधर हमारे तो ऐसे ही चार साल चले गए, कहाँ जाएंगे हम हाथ में कटोरा लेके भीख तो नहीं मांग सकते ना। सरकार बोल रही है चाय अपना आत्मनिर्भर बनो, पहले क्या भीख मांगते थे हम? आत्मनिर्भर तो थे हम। मोदी जी कहते हैं पकौड़े बेचना विरोध। हाँ तो हर किसी लड़के ने पकौड़े की दुकान खोली तो लेंगा कौन? उनका लेंगा कौन? कोई लेने वाला रहेंगे क्या? एक गाँव में 10 पकौड़े की दुकान है तो 10 ही लोगों ने वो किया, तो पहले का ही सिस्टम वो अच्छा था, वस्तुमय विनिमय था, तो अभी तो 150-200 साल की परंपरा लानी चाहिए। क्योंकि मोदी चाय बेचते थे, हम पकौड़े बेचेंगे, अभी वो पंतप्रधान बने तो हम क्या बनेंगे? हम भिखारी बनेंगे? ऐसी तो बात चल रही है इधर, कोई आत्मनिर्भर नहीं। सब जब पंतप्रधानों ने APJ अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, इन्होंने बोला था 2021 में इन्होंने 28 कंपनियां खरीद के रखे थे, काय के लिए कि जॉब मिलेगा, अपना भारत देश विकसित होगा। इन्होंने तो पूरे खाजगी करके रखे हैं, हमको तो बेकार बना के रखा है, कहाँ जाएंगे हम? अब कौन सी बात रखेंगे? यही तो मेन मुद्दा है ना।